बाजारे जफा फुर्सत है हजरत मजमा है कुफियों का मेरे चलने की जा कोई नहीं बाजारे जफा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आदिल खान और हम इस वक्त मौजूद हैं मुमरा के धनवा नगर में, जहाँ पर शिया समुदाय के लोगों की तरफ से एक जुलूस का इनेकाद किया गया है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मुझे मौलाना सैयद रज़ी इमाम कहते हैं। जी मौलाना साहब, आपसे इस उर्स के बारे में मुख्तसरन जानना, इस जुलूस के बारे में माफ़ कीजिएगा, मुख्तसरन जानना चाहेंगे। आज एक रिवायत के मुताबिक रोज़ शहादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, जो जनाब मौलाए कायनात हज़रत अली की बेटी और इमाम हुसैन की बहन थी, जो ख़ुद कर्बला में मौजूद थी। उन्होंने अपनी आंखों से सामने देखा कि हुसैन को कैसे शहीद किया गया। ये वो मजलूमा हैं जिन्होंने हर वक्त मुसलमानों को पैगाम दिया कि देखो ये कैसे मुसलमान थे कर्बला में, जो रसूल के नवासे को ज़िबा भी कर रहे थे और नारे तकबीर की आवाज़ भी बुलंद कर रहे थे। 1400 साल से ये पैगाम है जनाब ज़ैनब का कि ऐसे मुसलमान मुसलमान हो ही नहीं सकते जो जुल्म भी करें और अल्लाह का नाम भी लें। इसलिए कि इस्लाम जुल्म नहीं सिखाता, इस्लाम मज़लूमियत के दफा का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम भाईचारगी का नाम है। जी तो अभी हमारा जो ज़िलहज्जा का महीना ख़त्म हुआ है और जो हमारा नया इस्लामी साल शुरू हो रहा है, जो कि इमाम हुसैन की कुर्बानी के लिए याद किया जाता है, और इसमें आपके समुदाय की तरफ से और इसके अलावा सारे तमाम आलम इस्लाम की तरफ से गम मनाया जाता है, तो ये कुर्बानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को, इसके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए ये वाकई इस्लाम के लिए तोहफा है कि इस्लाम के साल की इंतहा भी कुर्बानी पे होती है और साल की इब्तदा भी कुर्बानी पे होती है। इंतहा में एक नबी का बेटा कुर्बान हो रहा था और जब इब्तदा हो रही है तो रसूल का नवासा ज़िबह किया जा रहा है, और दोनों जो है अल्लाह की रज़ा के लिए, वहाँ बाप और अल्लाह की रज़ा के लिए बेटे को कुर्बान कर रहा था, यहाँ हुसैन अपने बेटे को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर रहे हैं। दोनों ने ये पैगाम दिया है कि हमारे लिए कोई बड़ा नहीं है सिवाय उस परवरदिगार के। अगर वो कह रहा है तो बाप बेटे को कुर्बान कर रहा था मीना में 10 ज़िलहिज को, और हुसैन कर्बला में जनाब अली अकबर को कुर्बान कर रहे थे। ये पैगाम है आलम इस्लाम के लिए कि अमन, आस्ती, मोहब्बत, भाईचारगी, दूसरों का एहतराम करना, दूसरों के मज़हब का एहतराम करना, दूसरों के पेशवाओं का एहतराम करना, यही हमारी पहचान है, यही अमन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद दानिश सैदी जी। तो अभी आपसे जानना चाहते हैं कि ज़िलहज्जा का महीना ख़त्म हुआ और हमारा नया इस्लामी साल शुरू हो रहा है, और साथ ही कुर्बानियों का महीना मुहर्रमुल हराम शुरू हो रहा है, और ये इमाम हुसैन की कुर्बानी के बारे में, और इस कुर्बानी के तवसुस से आप इस कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपने भी सवाल किया कि मुहर्रम का महीना बिल्कुल करीब है, मुहर्रम हमारा इस्लामिक महीना है, मगर हम शियान हैदर कर्रार अज़ादारा ने मज़लूम करबला इस महीने को गम का से आगाज़ करते हैं। इस साल का आगाज़, हर साल का जो हमारा आगाज़ होता है वो गम से होता है, क्योंकि इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए, पूरी कायनात को बचाने के लिए वो अजीम कुर्बानी दी कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती है। एक दोपहर में अपना भरा घर लुटा देना, जिसमें 90 बरस के ज़ईफ़ से लेकर 6 महीने के बच्चे तक की कुर्बानी देना, ये इमाम हुसैनी का जिगरा था और किसी का जिगरा नहीं था। और ये उस ज़िब को ज़िब अज़ीम में बदला गया कि जिसकी याद हम और आप ज़िलहिज के महीने में मनाते हैं। जो अभी कुर्बानी का ज़माना गुजरा है कि जब जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल के गले पर छुरी चलाने वाले थे कि वहाँ खालिक की तरफ से दुम्बा आ गया, उस ज़िब को ज़िब अज़ीम में अगर किसी ने बदला है तो इमाम हुसैन की। लिहाजा हम आने वाले मुहर्रम में आज़ादार बन के अपने दुनिया को पैगाम देना चाहें कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम हमारा शर से कोई रिश्ता नहीं है। यही तो मौलाना साहब, जो जिस वक्त जो हालात हिंदुस्तान में चल रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं हमारे, तो इमाम हुसैन की कुर्बानी, जो जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, तो इमाम हुसैन की कुर्बानी के तनाजुर में, उसकी रोशनी में आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को और तमाम आलम इस्लाम में जो चल रहे हैं मुसलमानों के साथ, उनके लिए आपका क्या कहना है? भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को सिर्फ हम नहीं मना रहे हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में हर मज़हब के लोग मनाते हैं। उनकी कुर्बानी से यही पैगाम है कि अमन, भाईचारा, मोहब्बत। इसलिए कि इमाम हुसैन के साथ कुर्बानी देने वाले सिर्फ कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं थे, ईसाई भी थे। जनाब वहब कल्बी जो इन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की इस्लाम के लिए, इसलिए कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है। यही पैगाम हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी है और अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी, कि अमन और मोहब्बत को कायम रखें, हर इंसान मिलकर रहे। यही इमाम हुसैन का सबसे बड़ा पैगाम था। और आने वाली जो तारीखें हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को सब ने याद किया, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने जब इस इनकलाब को बरपा करना चाहा, भारत को आज़ादी दिलाना चाहिए, तो 72 लोग लेके उठे हुए, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि ये भी हमने इमाम हुसैन से सीखा है कि लोग कम हों मगर भरोसेमंद हों, तब जंग जीती जा सकती है। यानी मोहब्बत के साथ जंग जीती जा सकती है, बड़ी बड़ी। यही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे शिया भाई जिन्होंने जुलूस का इनेकाद किया, जिसमें इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया गया, और तमाम आलम इस्लाम के लिए यही पैगाम है कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सैयद आसिफ, सैयद आशिक अब्बास, आशिक अब्बास, मौलाना सैयद आशिक अब्बास, मौलाना है ना जी? मौलाना जी। तो हमारे साथ मौजूद है मौलाना आशिक अब्बास साहब, जो इस जुलूस पर इस जुलूस के इनेकाद पर रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्मो बिहब्लिल्लाह जमीन वला तफर्रुकु। कलाम पाक में है, खुदा इरशाद फरमा रहा है कि वा तस्मो बिहब्लिल्लाह जमीन वला तफर्रुकु, यानी आपस में इत्तेहाद कायम रखो, अल्लाह की रस्सी को मजबूत से पकड़े रहो, जब तक कि हम जो है एक प्लेटफार्म पे जो है यकजा नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे, न हम कौम में, जब तक तफरक़ेबाजी रहेगी, यानी सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेली शाफई सुन्नी शिया, अगर ये सब रहेगा तो हमेशा जो है मुसलमान जो है पस्त जो है निगाहों से देखा जाएगा और पस्ती की तरफ जाता रहेगा। लिहाजा एक ऐसा प्लेटफार्म है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो है पैगाम दिया, और ऐसा पैगाम दिया जिसके ज़रिए से आज हर कौम उससे इबरत हासिल करती है। लिहाजा हम तमाम लोगों से जो है दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग एक प्लेटफार्म पे आएं और यकजा जमा हों, तो इंशाअल्लाह हम जो है
कामयाब व कामरान रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया का शुक्रिया आपका। ये थे हमारे मौलाना आशिक अब्बास साहब जो एक शिया आलिम भी हैं, और इनका ये कहना है कि अगर इस्लाम को बचाना है, मुसलमानों को अपनी फलाह बहबूद चाहिए, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, मिलजुल कर रहना होगा। तो यही पैगाम हम अपने ग्रेट इंडियन टीवी की तरफ से तमाम मुसलमानों को देना चाहते हैं, और अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे साथ इस वक्त हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर अहले बैत जनाब हसन फराज साहब मौजूद हैं, जो करबला के वाक़े के तौर पर इमाम हुसैन की ज़िंदगी के मुख्तसरन आप रोशनी डालिए। हजरात, मैं चूँकि शायर हूँ तो मैं अपनी नौजवान कौम के नौजवानों को ख़ास तौर से ये पैगाम देना चाहूँगा कि ज़माना जैसा भी हो, ज़माना जैसा भी बदल रहा हो, लेकिन हर वक्त नज़र में करबला वालों का किरदार रखना चाहिए, उसी से हमारा किरदार संभलेगा। मैं यही बात अपने एक शेर में कहना चाहता हूँ कि ये बेमिसाल पता नामवर हुसैन का है, ये बेमिसाल पता नामवर हुसैन का है कि आज हर दिले इंसान में घर हुसैन का है, कि आज हर दिले इंसान में घर हुसैन का है। और कहीं भी जुल्म हो महसूस होगी बेचैनी, ज़रा सा दर्द भी दिल में हसन अगर हुसैन का है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इस वक्त मुसलमानों पर चौतरफा जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो क्या इसके ज़िम्मेदार ये नहीं कि हम फ़िरकों में बटे हुए हैं? नहीं, हमारी बेअमली और बेकिरदारी है। अगर हम करबला के रास्ते या वो जो रसूलुल्लाह ने रास्ता बताया अगर हम उस पर चल रहे होते तो हरगिज़ हरगिज़ हमारी कोई बदनामी ना होती, कोई ज़िल्लत ना होती, और आज वही हमारी इज्जत होती जो दूसरी कौमें जिस तरह ज़िंदा हैं और बाइज्जत हैं। लेकिन हम अपने अमल से हट गए, हम अपने रसूल और इमामों को कहने से हट गए। तो ये तो इमाम हुसैन का पैगाम है कि करबला का जो वाकया है जुल्म के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है, और आप जो हमारे साथ इस वक्त दरमियान में खड़े हैं, तो हम आपसे आखिर में यही अर्ज़ करेंगे कि अपनी तरफ से अहले बैत की शान में एक शेर अर्ज़ फरमा दीजिए। मैंने अभी आपको यही शेर ही पढ़ा था, मैं ख़ास तौर से फिर वही शेर दोहरा रहा हूँ कि कहीं भी जुल्म हो महसूस होगी बेचैनी, ज़रा सा दर्द भी दिल में अगर हुसैन का है। अगर हम हुसैनी हैं तो कहीं भी जुल्म हो, किसी फ़िरके पर भी जुल्म हो, कहीं किसी कौम पर जुल्म हो, हमें भी तकलीफ़ महसूस होगी, क्योंकि हम हुसैन के मानने वाले हैं। और हुसैन ने हमको यही सिखाया है कि जालिम से नफरत करो, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, साबिर का साथ दो। यही पैगाम कौम के नौजवानों के लिए मेरी तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मौजूद है इस जुलूस के फाउंडर, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अली है। जी, तो आपसे जानना चाहते हैं कितने बरसों से ये जुलूस निकाला जा रहा है? ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गए, ये 14th ईयर है इस जुलूस का। और माशाल्लाह जब हमने स्टार्ट किया था ये कुछ लोग थे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर उसके बाद मौला ने इस जुलूस को बहुत ही ज़्यादा कामयाब किया लोगों की, और लोगों ने भी शिरकत की, बढ़ चढ़ के शिरकत की है। और बस मौला से दुआ है कि इस जुलूस को ऐसे ही इज़्ज़तदारी को कायम दायम रखे, बस ये दुआ है मौला। तो आप एक यंग एज हैं, आप एक खुद भी एक नौजवान हैं, तो आप जो इस काम में हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको हमारी कौम के नौजवानों के नाम आपकी तरफ से क्या पैगाम है? बस यही कहना चाहता हूँ कि आज़ादारी में कुछ भी ग्रुपिज़म ना हो बिल्कुल भी, जो आज के हालात जो हैं कि आज़ादारी में इसका उसका मतलब अलग अलग, इनका ग्रुप अलग है, इनकी मल्ली ज़्यादा बेहतर हो गई है, इसमें ज़्यादा लोग, ये सब ना हो। आज़ादारी को आज़ादारी मसलूम शौदा है, और इसी तरह मनाया जाए, एकदम सादगी से मनाया जाए। और बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि बस लोग एक साथ रहें, मौला के चाहने वाले एक साथ रहें, बस। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई मेरे टोपी यहाँ पे तेरे यार जवाब मिलके आवाज आ रही है ना, जब तुम्हारी लगी नहीं आ रही यार, मेरी लगेंगी, और क्या रिपोर्टर मैं हूँ।
पकड़ो उनके लिए लो भाई। तो पूरी मौलाना यार, अच्छे से दिया।